अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम इस लेक्चर को एग्जांपल्स से ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम such that the point such that the points such that the points a b and c such that the points a b and c are respectively -2, -3, -1, -4, and -0, -5. Find the coordinates of D. ठीक है। अच्छा, इसमें हमें इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, आप वर्टेक्स कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास तीन गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू गिवन है, जबकि आपने क्या फाइंड करना है, डी आपने फाइंड करना है। ठीक है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से करें, फिगर के थ्रू अगर हम इसको यहाँ शो करें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि पैरेललोग्राम। अब देखिए, इसमें सिंपल ये है कि हमारे पास तीन गिवन होंगी, ठीक है, और बाकी जो है वो हमने खुद, जो फोर्थ वाला है वो हमने खुद फाइंड करना होगा, मतलब जो डी है वो हमने फाइंड करना होगा। ठीक है। तो हम एक फिगर बना लेंगे। अच्छा, उसमें जो तीन होंगी उनकी जो वर्टेक्स गिवन है उनको वहाँ मेंशन कर देंगे और बाकी जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, लेट्स से कि ये हमारे पास एक लाइन आ गई है पैरेललोग्राम की, ठीक हो गया। अच्छा, एक ये कर देते हैं, एक ये कर देते हैं और एक लेट्स से ये कर देते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम की शेप आ गई है। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ जो इसमें आप देखें, चार इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी, याद रखना है कि ए बी सी डी, या तो आपने क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना। मैं इस तरह से चल रहा हूँ, ए बी सी डी, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। अगर आप क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हैं तो ए बी सी एंड डी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, चूंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो वो इसी तरह आ जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है, सबसे पहले आप देखें ए है -2, -3, -2, -3, बी क्या है 1, 4, सी क्या है, सी हमें गिवन है 0, -5 और डी हम लेट कर लेते हैं एक्स वाई को, डी हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, क्योंकि हमने डी फाइंड करना है, सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स, सपोज दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर एक्स वाई, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है। अब हमने डी फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि एज गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी किसको शो कर रहे हैं, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगे, मतलब जो ए बी है वो डी सी के इक्वल आएगा और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो आपकी मर्जी है, इनको आपस में इक्वल कर लें या इनको आपस में कर लें। तो हम लेट्स से इक्वल करते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और यहाँ से चूंकि इक्वल होंगी तो पैरेलल भी होते हैं, ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। ठीक है।
पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी गिवन है हमें, आप देख सकते हैं ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है हम और डी सी। अब जब आपके पास दो वर्टिसेस गिवन हो ना ए और बी, उससे वेक्टर किस तरह बनाते हैं वो जरा देखते हैं। ए और बी हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ए बी, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ए जो है हमारे पास वो है -2 -3 और बी जो है वो है 1 4, ठीक है। अब ए बी किस तरह से होगा, पहले में से पहली करेंगे और दूसरे में से दूसरी माइनस करेंगे, तो 1 -2 7 आई आएगा प्लस, अब सेकंड में से सेकंड माइनस करेंगे तो 4 -3 7 आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह डी सी भी हमारे पास गिवन है, तो क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, डी सी फाइंड करना है, तो डी लिखेंगे सबसे पहले। डी हमारे पास एक्स और वाई है और सी की जो वैल्यू है ना वो है 0 -5, वो क्या है 0 -5, तो डी सी फाइंड करेंगे क्योंकि डी सी, तो डी सी आएगा 0 -x i, ठीक है, 0 -x i प्लस -5 -y, जे आ जाएगा, तो 1 + 2 i प्लस 4 + 3 j -x i, और यहाँ से आप इसको इसी तरह लिखेंगे -5 -y, जे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 i + 7 j एंड -x i + -5 -y j, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों आपस में इक्वल है। तो जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो उसका एक्स आई कंपोनेंट आई की इक्वल आएगा, जे कंपोनेंट जे की इक्वल आएगा, सो 3 will be equals to -x एंड 7 will be equals to -5 -y। माइनस को डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -3 is equals to x 7, और यहाँ पर इस तरह से करते हैं कि ये जो y है इसको इधर ले आते हैं, y -5 इधर उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -12 के, ठीक है। तो x भी फाइंड हो गया एंड y भी फाइंड हो गया, ये x और y हमने किसके लिए लेट किए थे, सो d, x और y था, तो d की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है -12, तो ये जो आपके पास d हमने जो लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए, इजीली हमने यहाँ फाइंड कर लिए, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो मेन आपने चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास दो वर्टेक्स गिवन तो वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, x में से x कंपोनेंट माइनस करेंगे फिर आएगा प्लस, y में से y कंपोनेंट माइनस करेंगे, x के साथ i आएगा और j वाले कंपोनेंट के साथ जो y वाले हैं उनके साथ j आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।